देखिए, दक्षिण अफ्रीका के बहुत ही महान व्यक्तित्व थे जिनका नाम था नेल्सन मंडेला, जो कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रहे, जिन्होंने रंग भेद के खिलाफ बहुत ही बड़ी मुहिम चलाई थी और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को ख़त्म किया था। देखिए, इन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था कि जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते हैं तब तक वो काम हमें नामुमकिन लगता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 27 अक्टूबर के करेंट अफेयर पे, और आज की वीडियो में टोटल हम 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इन चीज़ जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी आएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर, दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के PDF भी मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन के सभी उत्तरों की। देखिए, कल क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां सदस्य बन गया है। तो देखिए, देश आपका है अंडोरा। और दूसरा था कि किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाता है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस को हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। और तीसरा था कि हाल ही में कौन दोबारा लेबनान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में साद अल हरीरी चुने गए हैं लेबनान के प्रधानमंत्री। और चौथा था कि हाल ही में किस प्रतिस्पर्धा को कोविड-19 महामारी के चलते पाबंदियों और अनिश्चितताओं के कारण रद्द कर दिया गया है। तो देखिए, ये प्रतिस्पर्धा आपकी है विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020। और पांचवा था कि हाल ही में यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन ने किस देश के विपक्षी आंदोलन नेता स्वेतलाना अलेक्जेंडर को अपना शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार दिया है। तो देखिए, जो आपकी स्वेतलाना अलेक्जेंडर हैं, ये बिलोंग करती हैं बेलारूस से। और आज के ग्रैंड प्रिक्स का पहला प्रश्न है कि किस दिग्गज खिलाड़ी ने पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीतकर अपने करियर की 92वीं जीत दर्ज की, और इसके बाद इन्होंने माइकल सुमाकर का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो देखिए, ये फार्मूला 1 रेसर आपके हैं लुइस हैमिल्टन। देखिए, जो आपके लुइस हैमिल्टन हैं, ये इस सत्र की यानी कि 2020 की इनकी 12 रेस में से 8वीं जीती, यानी कि इन्होंने 12 में पार्टिसिपेट किया इस साल और 8 रेस जो है इन्होंने जीते थे। और इनका जो 8वां रेस था जिसमें ये विजयी हुए, ये कौन था? पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स, जिसमें इन्होंने जो है एक नया रिकॉर्ड भी कायम किया। जो कि लुइस हैमिल्टन है, ये एक ब्रिटिश ड्राइवर है मर्सिडीज के। देखिए, इन्होंने अभी हाल ही में अपनी करियर की जो 92वीं जीत दर्ज की, तो इस जीत को दर्ज करने के बाद इन्होंने जो है माइकल सुमाकर का स्थान रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखिए, जो कि माइकल सुमाकर है, इनके नाम से 91 फार्मूला 1 रेस जीतने का जो है रिकॉर्ड था, लेकिन अब ये इनसे आगे निकल चुके हैं। कौन? लुइस हैमिल्टन। इन्होंने अभी हाल ही में अपनी 92वीं जीत दर्ज कर ली है। और लुइस हैमिल्टन के बारे में बात करें, देखिए, लुइस हैमिल्टन जो है इन्होंने पहली फार्मूला 1 रेस 2007 में जीती थी और पहला खिताब 2008 में अपने नाम किया था। और ये 2013 में मर्सिडीज से जुड़े और वहीं से इनका करियर परवाना चढ़ा। ये जो है 5 फार्मूला 1 खिताब जीत चुके हैं अब तक। और जो आपके माइकल सुमाकर हैं, देखिए, इनके नाम से 7 खिताब अब तक है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया? तो देखिए, अभी हाल ही में बांग्लादेश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया है। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है बांग्लादेश की, इनकी अध्यक्षता में बांग्लादेश की कैबिनेट की बैठक जो है आयोजित की गई थी, और उस बैठक में ये फैसला लिया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है, ठीक है, तो मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को जो है सरकार की तरफ से कोई भी सरकारी सेवा नहीं दी जाएगी, ना ही बिना मास्क के सरकारी कार्यालय में उनको प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। तो नो मास्क नो सर्विस नीति को बांग्लादेश की सरकार ने लागू किया हाल ही में। और बांग्लादेश देखिए आपका साउथ एशिया में स्थित एक छोटा सा देश है, भारत जो है इसी सीमा बनाता है अपना। और बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, बांग्लादेशी करेंसी है बांग्लादेशी टका, और बांग्लादेश की पॉपुलेशन है 16.14 करोड़, और यहाँ की जो प्रधानमंत्री, इनका नाम क्या है? शेख हसीना। और तीसरा प्रश्न कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व पोलियो दिवस को मनाते हैं 24 अक्टूबर को हर साल। देखिए, विश्व पोलियो दिवस हर साल 24 अक्टूबर को एक बहुत ही महान अमेरिकन वायरोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था जोनास साल की, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और जो का विश्व पोलियो दिवस है, तो देखिए 2020 के लिए इसी थीम है, अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। और पोलियो के बारे में आपको बता दूँ, देखिए पोलियो जो है ये एक संक्रामक रोग है जिसे पोलियोमेलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, और मुख्य रूप से जो आपका पोलियो है तो इसका वायरस मुंह के जरिए आपके शरीर में प्रवेश करता है, और इसके बाद ये वायरस जो है आपके ब्लड यानी कि रक्त कोशिकाओं के माध्यम से केंद्रीय स्नायु तंत्र यानी कि जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इस पर आघात करता है। और जब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही डैमेज हो जाएगा, आपको पैरालिसिस हो जाएगी, आपकी जो हड्डियाँ हैं इनका विकास रुक जाएगा और
बच्चे जो है ये देखिए मोस्टली में ये मोस्टली जो का ये पोलियो है, ठीक है, तो ये बच्चों को अटैक करता है बच्चों में, तो बच्चे जो है इससे अपंग हो जाते हैं, बच्चों को पैरालिसिस वगैरह हो जाती है, उनका जो हाथ पैर है या फिर शरीर का कोई पार्ट है जहाँ पे पोलियो का आघात होता है वो काम करना बंद कर देता है। और देखिए जो आपका पोलियो वायरस है, ठीक है, ये दूषित पानी, भोजन या फिर वायरस से संक्रमित किसी भी व्यक्ति के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से फैलता है। तो अगर किसी व्यक्ति को पोलियो वायरस का मतलब संक्रमण है तो उससे आप दूर रहा कीजिए। पोलियो जो है इतना संक्रामक है कि संक्रमित व्यक्ति के साथ रहने वाले व्यक्ति को भी जो है ये हो जाता है, तो इसीलिए पोलियो से थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है, मैंने इसलिए आपको सारी डिटेल बता दी। और देखिए अब डरने की कोई बात नहीं है, पोलियो की वैक्सीन बन चुकी है बहुत पहले ही, और इसके लिए जो है बचपन में पोलियो का टीकाकरण किया जाता है, और एक अभियान है 2 बूंद जिंदगी की, यानी कि 2 बूंद जो है पोलियो का जो वैक्सीन है ये आपको पिलाया जाता है ओरली, तो ओरल पोलियो वैक्सीन जो है पिलाया जाता है बच्चों को ताकि उनके अंदर इम्यूनिटी आ जाए पोलियो के प्रति। और चौथा प्रश्न कि हाल ही में आलोक वर्मा को किस राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए जो लोग हरियाणा से हैं इसको नोट कर लेंगे कि जो आपके आलोक वर्मा, इनको हरियाणा राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और कितने लोग हरियाणा से, कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं। देखिए हरियाणा के बारे में बात करें, देखिए हरियाणा में जो आपका लोक सेवा आयोग है तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये 6 साल तक जो है आयोग के चेयरमैन बने रहते हैं, क्योंकि जो आपका हरियाणा है, हरियाणा में लोक सेवा आयोग के चेयरमैन का कार्यकाल 6 साल होता है, या फिर जो व्यक्ति इस पद पर अपॉइंट होता है वो 62 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकता है। और हरियाणा में देखिए इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है, और हरियाणा के जो राज्यपाल, इनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा की जनसंख्या है 2.54 करोड़, और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर। पांचवा प्रश्न है कि गुजराती फिल्मों के किस प्रसिद्ध संगीतकार एवं पूर्व भाजपा सांसद का 83 साल यानी कि 83 साल की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए अभी हाल ही में गुजराती फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार और पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिनका नाम है महेश कुमार कनोडिया, इनका 83 साल की उम्र में निधन हो गया है। देखिए जो आपके कनोडिया जी हैं, इनकी खास बात ये थी कि ये 32 गायकों की आवाज़ में गा सकते थे, और इनमें महिला गायकों की आवाज़ भी शामिल थी, तो काफ़ी बड़ा टैलेंट है किसी व्यक्ति में कि अगर वो 32 सिंगर जो कि मेल और फीमेल मिला के जो है इनकी आवाज़ निकाल सके, तो काफ़ी महान सिंगर हैं ये। और छठा प्रश्न कि हाल ही में केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु कितना दंड निर्धारित किया है। तो देखिए जो केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण है इसने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु टोटल 1 लाख रुपये का जुर्माना और 5 साल तक की जेल का जो है दंड का निर्धारण हाल ही में किया है। यानी कि अगर आप जो है कहीं भी पानी की बर्बादी करते हुए पाए गए तो आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है, या फिर आपको 5 साल तक की जेल हो सकती है। देखिए भारत में अब कोई भी व्यक्ति जो है ये भू जल स्रोत से हासिल जो पीने योग्य पानी है इसके इस्तेमाल बेवजह नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा पहल है, और आप भी लोगों को जागरूक कीजिए कि पानी की बर्बादी को रोका जाए। सातवां प्रश्न कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में कितने परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो देखिए जो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने 24 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में कुल 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो है इन्होंने गुजरात राज्य के किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना स्टार्ट की, जो आपकी किसान सूर्योदय योजना है। तो देखिए ये जो है इसका लक्ष्य है गुजरात राज्य में सिंचाई के लिए किसानों को दिन के समय ऊर्जा की सप्लाई करना, और इसके अतिरिक्त जो आपका गुजरात का जूनागढ़ है तो वहाँ पर जो है गिरनार रोपे और अहमदाबाद स्थित जो आपका UN मेहता कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर है तो इससे संबंध एक पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल का भी जो इन्होंने उद्घाटन किया। तो ये 3 परियोजना जो है इनका उद्घाटन किया किसने, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में, कब, 24 अक्टूबर को। देखिए आजकल प्रश्नों का लेवल बढ़ चुका है, डेट वाइज पूछा जा रहा है कि किस तिथि को कौन सी घटना हुई थी, तो इसलिए मैं आपको डेट वाइज सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और आठवां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। तो देखिए जो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने जो है 27 अक्टूबर 2020 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। देखिए जो आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग है ये हर साल 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक जो है सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्मदिन है 31 अक्टूबर को ये भी इसके बीच में पड़ता है।
देखिए जो आपका सतर्कता जागरूकता सप्ताह है, तो ये अभियान जो है ये नागरिक भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार की प्रतिबद्धता की जो है पुष्टि करता है। और नवा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया की बड़ी तेल गैस परियोजनाओं के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ बातचीत की है। तो देखिए आपके पीएम मोदी हैं, उन्होंने 26 अक्टूबर 2020 को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया की बड़ी तेल गैस कंपनियों के सीईओ के साथ जो है बातचीत की थी। और इस कार्यक्रम का आयोजन जो है ये नीति आयोग और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और ये जो है नीति आयोग और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का इस प्रकार का पांचवा कार्यक्रम था। और इस गोलमेज बैठक में प्रमुख तेल एवं गैस कंपनियों के करीब 45 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है ये शामिल हुए थे। और देखिए जो आपका पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो कार्यालय है, ठीक है, तो इसके अनुसार भारत वैश्विक तेल एवं गैस क्षेत्र में महत्वपूर्ण देश है। भारत जो है ये कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक है। देखिए भारत के वैश्विक तेल एवं गैस मूल्य श्रृंखला में एक सक्रिय भागीदारी बनने के इरादे से नीति आयोग ने सबसे पहले साल 2016 में वैश्विक तेल एवं गैस कंपनियों के सीईओ की गोलमेज बैठक का जो है आयोजन किया था। और 2016 के बाद से फिर 17, 18, 19 और इस बार 2020 में भी जो है इसका आयोजन किया गया। और दसवां प्रश्न है कि हाल ही में सैमसंग समूह के जो अध्यक्ष थे जिनका नाम था ली कुन ही, इनका निधन हो गया है। सैमसंग किस देश की कंपनी है? देखिए ये प्रश्न तो कई बार पूछा चुका है कि सैमसंग किस देश की कंपनी है, तो सैमसंग जो है ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है। और जो आपके इसके अध्यक्ष थे ली कुन ही, इनके बारे में आपको बता दूं, देखिए जो आपके ली कुन ही हैं, इन्होंने सैमसंग को एक छोटे व्यापारी व्यवसाय से स्मार्टफोन और मेमोरी चिप्स का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बनने में जो है मदद की। और आज जो सैमसंग कंपनी है इसका कुल कारोबार दक्षिण कोरिया के सकल घरेलू उत्पाद के पाँचवें के बराबर है। और जो फोर्ब्स पत्रिका है अमेरिका की, इसके अनुसार जो आपके ली कुन ही थे, देखिए ये जो है लगभग 21 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दक्षिण कोरिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी थे। 11वां प्रश्न की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को कब तक के लिए वैश्विक आतंकी वित्त पोषण पहरेदार की ग्रे सूची में रखने की घोषणा की है? तो देखिए आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसने पाकिस्तान को जो है फरवरी 2021 तक के लिए वैश्विक आतंकी वित्त पोषण पहरेदार की ग्रे सूची में रखने की घोषणा की है। देखिए जो आपका FATF है यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए धन शोधन, आतंक वित्त पोषण और अन्य संबंधित खतरों का मुकाबला करना है। और देखिए आपको बता दूँ वर्तमान में इसके 39 सदस्य हैं, किसके? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के, जिनमें दो क्षेत्रीय संगठन यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद शामिल है। और जो आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, देखिए इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में और इसकी स्थापना जुलाई 1989 में हुई थी। तो देखिए अभी हाल ही में BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने छोटे और मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप का समर्थन करने और BSE पर अपनी लिस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में इन्वेंटी वीप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ जो है साझेदारी की है। देखिए जो आपका इन्वेंटी वीप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ये विश्व स्तर पर संबंधित BSE स्टार्टअप को उद्योग कन्वेंशन देने में मदद करेगा और सरकार के द्वारा घोषित कार्यक्रमों, त्वरण कोष, अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति और वैश्विक व्यापार संबंधों पर ज्ञान संचरण के माध्यम से राष्ट्रव्यापी उद्यमशीलता का समर्थन करेगा। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में गोवा में भारत के पहले सैंड ड्यून पार्क और इंटरप्रिटेशन सेंटर को विकसित करने के लिए विश्व बैंक ने कितनी धनराशि की मंजूरी दी है? तो देखिए ये अमाउंट आपका है 3 करोड़ रुपये का। और देखिए आप बता दूँ जो आपका गोवा राज्य है ये जैव विविधता बोर्ड जो गोवा का है, ठीक है, तो गोवा राज्य के जैव विविधता बोर्ड ने अभी हाल ही में इस सैंड ड्यून पार्क और इंटरप्रिटेशन सेंटर को विकसित करने के लिए जो है प्रस्ताव दिया था, जिसे विश्व बैंक के द्वारा वित्तीय सहायता के साथ लागू किया जाएगा। और गोवा राज्य की बात करें, देखिए गोवा की राजधानी पणजी है, गोवा के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं वो वीडियो को लाइक कर लें, बाकी सभी लोग तो दशहरे की छुट्टी पे लग रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग गायब हैं आज। तो देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का जो पहला प्रश्न आपके लिए ये है कि हाल ही में किसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के संचालक मंडल का चेयरमैन चुना गया है, बताइए इनका नाम। दूसरा कि हाल ही में किन दो राज्यों के बीच में सीमा विवाद को लेकर हिंसक झड़प हुई, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में
अपने पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया, बताइए। चौथा कि हाल ही में किस राज्य के लाहौल और स्पीति घाटी के ठंडे और शुष्क क्षेत्र में पहली बार हींग, जो आपकी फेरुला हींग है, ठीक है, तो उसकी खेती की गई, बताइए। पांचवा कि आईपीएल में लगातार 2 शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने, आंसर बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर्स वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में जो हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट है, इन सभी को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया वहाँ पर क्लिक करके इनको ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद जय भारत।